हाँ जी, सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं थोड़ा अपना दोस्त जतेंद्र सिंह ओठी। सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वन थ्री ओ टी एच आई। सो जिमें कि तुहानू पता जी, आई एम वर्किंग एज ए आर पी एन इन कैनेडा। तो मैं वीडियोज़ भी पाँदा रहा, जो भी मेरे को नॉलेज मिलती है, जब कोई भी नॉलेज आँदी है वो मैं थोड़े नाल शेयर कर दाँगा। सो जिन्होंने अजे तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया जी, चैनल सबसक्राइब कर दो, तो आप अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सो टूडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रैक्स पी एन। सो रैक्स पी एन न्यू थिंग है जी, आ रही हैगी फॉर फ्रॉम सी एन ओ फॉर आर पी एन। ठीक है जी, तुम आर पी एन बनना चाहते हो कैनेडा दे विच, तो तुहानू रैक्स पी एन थ्रू जाना पैना गा, ओंटारियो एंड बी सी। सो सी एन ओ जिवें तुहानू पता भी ओंटारियो की जी नर्सिंग काउंसिल आ गई सी एन ओ है, एंड बी सी दी बी सी सी एन एम आ। ठीक है जी, सो इन दोनों ने जड़ा रैक्स पी एन आ ये लागू किया गा फ्रॉम 4th of January 2022। तो जिन्होंने भी हुण तक आ साल दे विच इन नवंबर मंथ दे हैव गिवन एग्जाम फॉर आर पी एन, उन्होंने ये चीज़ नहीं देनी पैनी जे वो आपका लाइसेंस या जे वो आपका एग्जाम क्लीयर कर लेंगे ने गे इन 2021 दे विच विच, यही साल दे विच विच जिहड़े भी आपका एग्जाम क्लीयर कर लेंगे ने, सो दे डोंट हैव टू गो फॉर रैक्स पी एन। ठीक है जी, उन्होंने आपदी जिहड़ियां रिक्वायरमेंट्स ने वो आपके आर पी एन वास्ते मिट करनी पैनगियां, सो दे डोंट हैव टू गिव द एग्जाम। तो जिन्होंने भी हुण जी अगे अप्लाई करना, जिन्हों की असैसमेंट हो चुकी है या होनी हैगी। ठीक है जी, इस साल जी। सो रैक्स पी एन की फुल फॉर्म हैगी जी, रेगुलेटरी एग्जाम फॉर प्रैक्टिकल नर्स, रैक्स पी एन। ठीक है जी, तो एंट्री टू प्रैक्टिस एग्जाम आ फॉर दोज अपलाइंग फॉर आर पी एन और एल पी एन। ठीक है जी, तुम दस चुके हैं भी आर पी एन अपने कह देंगे ओंटारियो के, एंड एल पी एन कह देंगे ब्रिटिश कोलंबिया। दे हैव टू सेट फॉर द एग्जाम, न्यू एग्जाम दैट्स रैक्स पी एन। ठीक है जी, फ्रॉम 4th of January 2022। सो जिहड़ा जी रैक्स पी एन आ एग्जाम आ वो कैट टैसट होगा, जिहड़ा कि कंप्यूटराइज अडैप्टिव टैसटिंग आ, जिहदे थ्रू तुहाडा एग्जाम लिया जाएगा। तो हरेक क्वेश्चन का डिफिकल्टी लैवल होगा, जिवें सिंपल, एवरेज और डिफिकल्ट। ठीक है, तीन तरीके के क्वेश्चन तुहानू आउणगे। सो जिवें कि तुसीं सिंपल क्वेश्चन दवोगे, उस तो बाद दैन दे कैन पुट एवरेज क्वेश्चन, दैन दे कैन पुट मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो इस तरीके थोड़े जो क्वेश्चन डिवाइड किए जाएंगे, जिवें तुहानू मैं दस चुका भी 90 to 150 क्वेश्चन का थोड़ा जी विंडो होगी, तो जिहड़ा कंप्यूटर और 90 to 150 दे विच कितें भी बंद हो सकता गा, एंड यू विल गैट रिजल्ट इंस्टेंटली आफ्टर फ्यू डेज। तो जिमें कि तुहानू पता भी जिहड़ा आर पी एन जां एल पी एन तुसीं एग्जाम दिंदे सी तां अप्रोक्सीमेटली 30 days तो बाद जो रिजल्ट आता हूँ सगा, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। ये एनकलैक्स वांगू ही है जी, जिमें एनकलैक्स आर एन जे एग्जाम देंगे ने, ईवन दे आर गिविंग इन यू एस ए, दे आर गिविंग एग्जाम इन कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया, सो इट विल बी लाइक दैट। तो होर जी तुम जिमें दस चुके हैं भी सी पी एन आ रही है जरा अंटिल एंड ऑफ 2021 तक, जिन्होंने भी एग्जाम देते हैं। ठीक है जी, विंडो खत्म होगी 28th of November में, 28th of November तक की विंडो से जिन्होंने एग्जाम दे दते ने नवंबर के रिजल्ट उन्होंने आ जाएंगे, एंड दे डोंट हैव टू गिव रैक्स पी एन। बट फ्रॉम January 4th, 2022 द रैक्स पी एन विल बी देयर इन ओंटारियो एंड इन बी सी। सो जे तुम जिम्मे तुम दस चुके भी सी पी एन आर ई एग्जाम क्लीयर कर लिता बाय एंड ऑफ 2021, तो एज पार्ट ऑफ योर सी एन ओ एप्लीकेशन इट विल काउंट। ठीक है जी, काउंट होगा फॉर योर रेगुलर आर पी एन। तो जिहड़ा जी एग्जाम आ ये टू लैंग्वेज दे विच ऑफर किया जाऊगा, फ्रेंच एंड इंग्लिश। सो इंग्लिश तो तुहानू पता ही है, सारे जो अंग्रेजी बोलते हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं वो अंग्रेजी दे सकते हैं, बट इट कैन बी इट विल बी देयर विद इन द लैंग्वेज फ्रेंच। ठीक है जी, सो जी यदि फीस होगी जी रैक्स पी एन की, वह होगी 350 प्लस टैक्सेस, एंड ये हैगी फॉर कैनेडा एंड यू एस ए। ठीक है जी, इफ यू आर गिविंग एग्जाम आउटसाइड कैनेडा और यू एस ए, दैन द फीस विल डिफर, वो वध होगी। ठीक है जी, बाकी जो तुम एग्जाम आ कितने दे सकते हो, वे यू कैन गिव द एग्जाम जिथे भी पीयरसन व्यू टैसट सेंटर होगा, वो किसी भी कंट्री के हो सकता, जिमें कि तुम एनकलैक्स आर एन एग्जाम देंगे सके, जोड़े फ्रेंड्स ने दिता होगा वो इंडिया के भी दे देंगे सके, ठीक है किसी होर कंट्री के भी देंगे सी, सो दैट विल बी सेम थिंग, तुम कितने भी दे सकते हो जिते पीयरसन व्यू सेंटर सैटअप आगा। तो बाकी ना तुम कोई थोड़ी क्वेरी आ, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू द इनफॉर्मेशन अबाउट रैक्स पी एन,
एंड बिकॉज आई एम नॉट गिविंग दैट एग्जाम बट हाँ जी दोस्तों सो जिमें कि सी पी एन आर ई दा वो तुसीं थ्री अटैम्प्ट सी तुसीं दे सकदे सीगे फॉर एग्जाम जो तुसीं मतलब तीन अटैम्प्ट दे विच ही क्लीयर करना सीगा जिहड़ा सी पी एन आर ई सीगा इन रैक्स पी एन यू हैव अनलिमिटेड अटैम्प्ट यू कैन तुसीं ना बार बार एग्जाम दे सकदे हो जे तुसीं एक बार नहीं क्लीयर कर पाउंदे बट जो प्रीवियस टेस्ट सीगा सी पी एन आर ई उहदे विच तुहाडे कोल थ्री अटैम्प्ट सी सीगियां तुसीं तीन बार ही एग्जाम दे सकदे सीगे इफ यू आर एबल टू क्लीयर दैट एग्जाम तां तुसीं आर पी एन बन सकते सी बट हुण आर एक्स पी एन दे विच इदां वी तुसीं मल्टीपल अटैम्प्ट कर सकदे हो जिन्नियां मर्जी कर सकदे हो मीनस यूजली कह दें वी 1, 2, 3, 4, 5 लाइक तुसीं जिन्नियां वी कर सकदे हो ठीक है जी ते हरेक बारी जिहड़े तुहाडे क्वेश्चन होणगे डिफरेंट होणगे बिकॉज तुहानूं दस चुक्या वी कंप्यूटराइज्ड टैसट हैगा ये कैट टैसट हैगा तो ये थोड़ी हरेक बार जो तुम जाओगे तो थोड़े क्वेश्चन चेंज होंगे शफल होकर आएंगे नॉट लाइक सी पी एन आर ई क्योंकि उस सेम क्वेश्चन सैट होंगे ने सेम सिनारीओज होंगे ने वो बार बार आई जाते हैं बट नॉट इन दिस वन तो प्रैपरेशन की सेम ही होगी जी जिमें सी पी एन आर की प्रैपरेशन करते सो यू कैन प्रिपेयर दिस एग्जाम सेम बट थोड़ा जा कह लो भी ये ज़्यादा थोड़ा नॉलेज चेक की जाऊगी रैदर दैन सी पी एन आर ई ये ज़्यादा तुम्हें सिनारी दते जाएंगे ये लैब वैल्यूज़ ज़्यादा आनगियाँ ठीक है जी नंबेरिकल्स ज़्यादा आने थोड़े तो ड्रग्स की कैलकुलेशन आनगियाँ सो दैट विल बी इन दिस टेस्ट सो रैक्स पी एन विल बी कैट एग्जाम दैट्स कंप्यूटराइज अडेप्टिव टेस्टिंग सो इन दिस there will be difficulty level for each and every question so jehda bhi question tusi karoge ji oho keh lo bhi easy bhi ho sakda ga oh average bhi hoga and it will be difficult theek hai ji so every question has their own difficulty levels so usually it is similar to NCLEX RN that people used to give for canada usa or australia so that will be the same thing बनाने का मकसद तो यही है कि तुहानू जिहड़ा नवा एग्जाम आ रहा रैक्स पी एन उहदे बारे तुहानू इनफॉर्मेशन देवा एंड जे तुहाडी कोई भी क्वेरी आ तुसीं मैनू इंस्टाग्राम उत्ते भी मैसेज कर सकते हो माई इंस्टाग्राम आई डी इज 1 3 OTHI तुसीं चेक कर सकते होगे एंड यू कैन ऑलसो कमेंट ऑन दिस वीडियो बाकी कोई भी क्वेरी आ जी सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एंड डू फॉलो माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोज अबाउट नर्सिंग or to take nursing in Canada te baki ji I'm trying te kehnde hunde baki I'm not perfect in each and every aspect te koi vi gall hai gi ya tusi koi vi todi shikayat aa ja tusi koi query aa tusi zarur message karyo zarur comment karyo in the video and do share this video because punjabi de vich zyada video nahi bandiyan theek hai ji any questions just let me know and I will definitely answer on that question baki ji tusi main tode naal website vi share kar reha cno di and I will post this link in description also so you can check and you can ask them also you can email them also so that's all baki ji best of luck jinna ne apda career shuru karna jehde bhi india to auna chahunde ne फॉर नर्सिंग ठीक है जी उहदे उत्ते मेरी वीडियोज़ बनाई मैंने तुम किस लैके आ सकते हो एंड हाउ यू कैन बिकम आर पी एन और आर एन इन कैनेडा बाकी प्रैक्टिकल कोर्सिज ने उन्होंने बारे भी दस्या हुआ जी सो डू चैक माई प्लेलिस्ट ऑन नर्सिंग थैंक यू धन्यवाद सत श्री अकाल जी